ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों आज हम मूलांक के बारे में बात कर रहे हैं, आपका मूलांक क्या कहता है आपके बारे में, चलिए जानते हैं पंडित जी से। शुरुआत करते हैं हमारे उन दशकों के बारे में जिनका जो मूलांक है वो है एक। ज्योतिष की जो विद्या है उसमें अंक विद्या भी एक महत्वपूर्ण विद्या है, न्यूमरोलॉजी। अंक विद्या में, न्यूमरोलॉजी में एक मूलांक को सूर्य का मूलांक माना गया है। नंबर वन इज रिप्रेजेंट टू लॉर्ड सूर्य। एक मूलांक को सौभाग्य मूलांक यानी डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर कहा जाता है। वन नंबर इज द लकी नंबर। गाड़ियों में 0001 नंबर के लिए लाखों रुपए गाड़ी की कीमत से ज़्यादा उस नंबर को हासिल करने के लिए पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये जो नंबर है परिवर्तनशील है, व्यक्ति के नाम के अक्षरों के कुल योग से बनने वाले मूलांक को सौभाग्य मूलांक कहा जाता है। तो हमारे जिन दशकों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, उन सब का जो मूलांक है वो एक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है ये। और इस मूलांक वाला जो व्यक्ति है वो स्वाभिमानी होता है, ईमानदारी उसके अंदर होती है। एक मूलांक के व्यक्ति के अंदर केवल अपने मन की बात सुनने की आदत होती है, अपनी बहुत सुनता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका एक मूलांक होता है उनमें ईमानदारी का भाव होता है और अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करने में ऐसे लोग विश्वास रखते हैं। किसी के सामने झुकने के लिए इतनी जल्दी से राजी नहीं होते हैं और किसी के अधीन रहना उन्हें पसंद नहीं होता है। फैसले अपने जो खुद के फैसले हैं वो खुद लेना पसंद करते हैं। सूर्य से प्रभावित इस मूलांक के लोगों में सभी को अपने अधीन रखने की चाहत होती है। सूर्य प्रधान इस मूलांक के व्यक्ति जो हैं बहुत तेजस्वी, विद्वान, सद्गुणी होते हैं और इनके व्यवहार में उदारता भी होती है, स्वभाव में दयालुता का भाव होता है। ऐसे जातक जिनका मूलांक एक है उनका जो मनोबल है, आत्मबल है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन लोगों में अपने कार्य स्वयं करने की योग्यता का प्राधान्य माना जाता है। किसी प्रकार के भरोसे रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, जो करना है सेल्फ करना है और अल्प समय में ही कुशल प्रशासक बन जाते हैं। एक अंक की जो विशेषताएं हैं मूलांक की वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जो जातक होते हैं अद्वितीय भाव से युक्त होते हैं, इसलिए श्रेष्ठ है। इसका स्वामी भगवान सूर्य तो स्वयं है ही सही। प्रवृत्ति जो ऐसे लोगों की होती है रचनात्मक होती है, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, एक खुद का एक अपना ऑरा होता है, व्यक्तित्व होता है। और कभी कभी इतने हार्ड नेचर के हो जाते हैं कि वो हटी भी कहलाते हैं। ऐसे कहते हैं कि जैसे अहंकारी है ये। बहुत मित्र भी होते हैं और ऐसे मित्र भी जो इनके शत्रु बन जाते हैं। तो ये एक नंबर का है। तो ऐसे व्यक्तियों में अपनी परंपरा के प्रति आदर भाव रहता है, फैमिली के जो पास जो चीज़ें हैं, देशभक्ति और निष्ठा का भाव रहता है पूर्ण रूप से। नया करने की चाहत ऐसे लोगों में हमेशा रहती है, लक्ष्य के प्रति सचेत रहते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं, नई विचारधारा और नई सोच के साथ काम करते हैं। अपने कार्य में भी अपनी सूझबूझ को दर्शाने का प्रयास करते हैं। जो भी काम दिया जाता है एक नंबर मूलांक वालों को, उसमें वह किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, स्वच्छंद रूप से कार्य करने की चाहत रखते हैं। इन्हें किसी भी काम में रोक टोक पसंद नहीं आती, सुंदर और सुरुचिपूर्ण जीवन इन्हें पसंद है, सौंदर्य प्रेमी और कला के पुजारी माना जाते हैं। ये तो मैंने आपको विशेषताएं बताई। एक नंबर वालों में कुछ कमियां भी होती है, वो क्या क्या कमियां हैं वो भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। सूर्य प्रधान जातक की कुछ कमजोरियां या यह कहें कि बुराइयां भी इनमें समाहित होती है, जैसे अभिमान, लोभ, अविनय, दिखावा, जल्दबाजी, अहंकार इत्यादि कुछ दुर्गुण इनके जीवन को प्रभावित करते हैं और अपनी इन कमियों के परिणाम स्वरूप इनका विकास जो है वो उचित प्रकार से नहीं हो पाता। कई बार इन्हें इन्हीं समस्याओं के कारण इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और साथ ही साथ ये अपने दुश्मनों को भी नहीं पहचान पाने के कारण उनसे भी परेशानी झेलते हैं, गुप्त शत्रुओं से परेशान रहते हैं। प्रत्येक कार्य में दखल देने की आदत के कारण न चाहते हुए भी दूसरों के लिए अच्छे नहीं हो पाते। अपने अहम के कारण एक नंबर के मूलांक के जो लोग हैं कभी कभी अपने हट में निरंकुश हो जाना इनके स्वभाव में देखा जा सकता है।
जो एक अंक के मूलांक के लोगों के लिए बहुत बड़ी कमजोरी साबित होती है। दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, इस कारण उन्हें कभी कभी धोखा भी सहना पड़ता है। धन कमाने में जितनी मेहनत करते हैं उतने ही खुले हाथों से रुपए लुटाते हैं। धन टिकता ही नहीं है, व्यर्थ के दिखावे से भी ऐसे लोगों को बचना चाहिए। पंडित जी, तो एक मूलांक वालों की बात हुई, अब मूलांक दो वालों के बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, तो अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी में दो नंबर जो है उसका विशेष स्थान है। मूलांक दो का स्वामी जो ग्रह है वो चंद्रमा को माना गया है, और चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है, अंतर्मन की भावनाओं का संचालन करता है। हमारे भीतर की शीतलता जो है वो चंद्रमा के कारण ही है। अशुभ चंद्रमा यदि है तो मानसिक तनाव देता है, और उसके साथ साथ मानसिक बीमारियां भी चंद्रमा के कारण होती हैं, डिप्रेशन। समस्त अच्छे बुरे विचारों का जो निर्धारण है वो चंद्रमा के शुभ तत्व पर निर्भर करता है। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार जिन दशकों का मूलांक दो है ऐसे लोग चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, और किसी भी महीने की हमारे वो दशक जो कि 2 तारीख को जन्मे हैं, 11 तारीख को जन्मे हैं, 20 तारीख को जन्मे हैं या 29 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है, उन सब का जो मूलांक है वो दो नंबर है। तो आपका जो स्वामी है वो चंद्रमा, मन का स्वामी है, इसलिए दो नंबर वाले जो व्यक्ति हैं मूलांक वाले, उनका जो मन है वो सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। हृदय का प्रतीक माना जाता है, द्वैतवादी मूलांक बताया गया है। अन्वेषक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने विचारों को ज्यादा समय तक क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। इनके जो गुण हैं शारीरिक से ज्यादा बौद्धिक रूप से अधिक परिलक्षित होते हैं, मेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कल्पना शक्ति बहुत होती है, कला प्रिय होते हैं, कला प्रेमी होते हैं। शारीरिक शक्ति जो है वो मध्यम बल, चूंकि चंद्रमा शीतल है तो मध्यम बल से युक्त होती है, परंतु मानसिक शक्ति बहुत उत्तम होती है, बौद्धिक कामों में तेज और बुद्धिमान होते हैं। और मूलांक दो वालों का जो स्वभाव है आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सभ्य लोग होते हैं, सहृदय होते हैं, सुशील होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। चंद्र तत्व की प्रधानता के कारण जो स्वभाव है कल्पनाशीलता से भरा होता है। मन स्थिति चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण चंद्रमा की भांति घटती बढ़ती रहती है, फ्लक्चुएट करता रहता है मन जो है। स्थायी तो स्टेबिलिटी का जो है उनमें भाव थोड़ा कम होता है। मूलांक दो को चंद्र ग्रह संचालित करता है, इस कारण इस मूलांक के जो जातक हैं, व्यक्ति हैं, दशक हैं, अत्यधिक भावुक होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। चंद्रमा ग्रह को स्त्री ग्रह माना गया है, कोमल स्वभाव के होते हैं। आइए दो नंबर वाले जो मूलांक वाले जो दशक हैं उनमें क्या क्या विशेषता है वो भी जान लेते हैं। मूलांक दो जिनका होता है उनमें अभिमान नहीं होता है, कल्पनाशील होते हैं ऐसे लोग, दयालु होते हैं, कलात्मक होते हैं प्रवृत्ति, और थोड़े से रोमांटिक नेचर के भी होते हैं। मूलांक एक के ही भांति अन्वेषक प्रवृत्ति के भी होते हैं, किंतु अपने विचारों को एक मूलांक वालों की तरह क्रियान्वित नहीं कर पाते। एक तो मतलब सूर्य का ग्रह तो हार्डनेस है, इसके गुण जो है शारीरिक से ज्यादा जैसे मैंने बताया कि मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं, बुद्धि चातुर्य इनमें काफी अच्छा होता है, और बुद्धि विवेक से कार्यों में ये दूसरों से बाजी मार ले जाते हैं, लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, और स्वयं की मेहनत से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं। और चंद्रमा के प्रभाव के स्वरूप इस मूलांक के व्यक्तियों की रुचि सदैव जो होती है परिष्कृत होती है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। मूलांक दो वाले लोग सभ्य होते हैं, सुशील मृदुभाषी लोग होते हैं, दूसरों के मन की स्थिति जान लेने की क्षमता होती है, चूंकि इमोशनल है तो दूसरे को तो वैसे इमोशनल कर देते हैं। तो दो नंबर वाले जो लोग हैं मित्र बनाने में सक्षम है, सुंदरता के पुजारी होते हैं, और सुंदरता को पहचानना इनको अच्छी तरीके से आता है, क्लियरिटी इन लोगों में होती, निश्चलता, निष्कपटता, सम्मान ऐसे लोगों का किया जाता है, प्रेम भी इनको अधिक प्राप्त होता है। आप इमोशनल हो जाओ तो गर्लफ्रेंड भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो यह लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। मूलांक दो की कुछ कमियां भी हैं, वो भी आई है, मैं आपको बता देता हूं। मूलांक दो वाले लोगों के अंदर एक ही कार्य को लंबे समय तक चला पाना कठिन होता है। जो कुछ भी सोचते हैं विचारते हैं उस पर पूर्ण रूप से टिक नहीं पाते हैं, उस कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, या फिर उस कार्य को लेकर मन जो है वो ECG जैसे चलता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है।
एक काम को कभी भी पूरा नहीं करते, कंसंट्रेट नहीं करते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और इस कारण कई बार जिनका मूलांक दो होता है वो हीन भावना के, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उतावलापन बहुत ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन का अभाव रहता है, अत्यधिक इमोशनल होते हैं, किसी की भी बातों में जल्द ही आ जाते हैं, विचारों और योजनाओं के प्रति जो अस्थिरता है, निरंतरता का अभाव होता है, आत्मविश्वास की कमी, यही तो संवेदनशील बनाती है। यदि इन्हें इनके मन के मुताबिक माहौल ना मिले तो ये शीघ्र निराश हो जाते हैं, स्वभाव से शंकालु भी होते हैं, अन्य के दुख दर्द से जल्द परेशान हो जाना इनकी कमजोरी है। तो दो नंबर न्यूमरोलॉजी के अनुसार जिनका मूलांक है, मानसिक रूप से तो स्वस्थ है लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर होते हैं। शारीरिक कार्य के बदले मानसिक कार्य करने में आपको ज्यादा मजा आता है और स्वभाव से आप थोड़े शंकालु भी हो सकते हैं। दूसरों के दुख दर्द से परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर बैलेंस करके चलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ जाना होगा आज। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आपकी भी कोई समस्या और आप चाहते हैं पंडित जी से उस समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। फिर मिलेंगे और जानेंगे आगे के मूलांकों के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।